अभी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर श्री आशुतोष गिरी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद, अभिनंदन। और मैं ईएसआईसी के बारे में आपसे काफ़ी कुछ जानकारी लेकर आप लोगों को पहुँचाऊँगा कि ईएसआईसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, ईएसआईसी क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी उद्योग हैं, सभी के लिए ईएसआईसी के क्या फ़ायदे हैं, कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी के क्या फ़ायदे हैं, सभी कुछ आज हम लोग जानेंगे श्री आशुतोष जी से। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ईएसआईसी के बारे में, सबसे पहले तो आप एक बताएं कि ईएसआईसी क्या है, क्या फ़ायदे उससे हैं लोगों को, कैसे कर्मचारियों को क्या लाभ होते हैं, श्रमिकों को क्या लाभ होते हैं, ये पहले बताएं आप। सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपने मुझे यहां बुलाया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ईएसआईसी भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारे श्रमिक बंधुओं को उनके बहुत ही तकलीफ़ के समय में, खास करके जब वो एक जो हमारा तबका है जो 21,000 से नीचे अपना प्रतिमाह जो वेतन पाता है, उसके लिए आज आप समझिए कि हेल्थ की स्थिति हमारे देश की क्या है, और उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है कि बहुत ही कम प्रीमियम पे, 4% में भी सिर्फ समझिए कि 0.75% हमारे श्रमिक का जाता है, और उनको हम वो तमाम सुविधाएँ देते हैं अपने अस्पतालों के माध्यम से या फिर अपने टाई अप हॉस्पिटल्स के माध्यम से, जहाँ पे हम पेस मेकर तक लगा करके देते हैं। तो ये ईएसआईसी मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि जहाँ भी जिन प्रतिष्ठानों ने नहीं करवाया है उन्हें कराना चाहिए, और इससे श्रमिक वर्ग को बहुत ही ज़्यादा लाभ है। ईएसआईसी में मैं बताऊँगा कि पहले तो 1.75% देना पड़ता था कर्मचारियों को, जो कि सरकार ने अब कम करके 0.75% कर दिया है, तो कर्मचारियों का बहुत ही कम एक तरह से उस पे अनुदान पे, उनके बहुत ही कम उनके अंशदान पे, और उनको बहुत मेजर बेनिफिट मिल रहा। जैसा कि सर ने बताया कि पेस मेकर तक लोग लगवा रहे हैं ईएसआईसी से लाभ लेके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा सर कि इसके लिए पंजीकृत होने के लिए, इसमें ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आवश्यक है, जैसे जो कारखाने हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, दोनों के लिए क्या मापदंड हैं, किन पे वो करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, दरअसल क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दो तरह के हमारे होते हैं, एक फैक्ट्री होता है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इन दोनों के लिए अभी पैन इंडिया हमने 10 व्यक्तियों के ऊपर इसको निर्धारित कर दिया है, किसी भी प्रतिष्ठान में, चाहे वो फैक्ट्री हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, 10 या इससे अधिक वर्कर अगर काम कर रहे हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ईएसआईसी के लिए उसके एम्बिट में आते हैं, ईएसआईसी के एम्बिट में आते हैं, और उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और ये मैंडेटरी है। इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री। और इसके तहत श्रमिकों को क्या क्या लाभ उपलब्ध है ईएसआईसी में, जैसे अगर कोई श्रमिक रजिस्टर्ड हो जाता है तो लाभ क्या क्या उपलब्ध है, और कितने समय के बाद में क्या लाभ वो ले सकता है, या उसकी फैमिली वाले भी इसमें लाभ प्राप्त करते हैं तो उसकी फैमिली को भी क्या लाभ मिल सकता है? सुरेंद्र जी, लाभ तो आपको मैं बताऊं इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को शायद पता ही नहीं होता। हम लोग इसके लिए हमेशा, हमारा पीआर डिवीज़न प्रचार प्रसार करता रहता है, हम लोकल लेवल पे फैक्ट्री रजिस्ट्रेशमेंट उसके क्लस्टर्स पे जाकर के भी लोगों को समझाते हैं। इसमें देखिए 5 हित लाभ तो बहुत नॉर्मल है, लगभग सब लोग ही जानते हैं, और आजकल तो मैं देखता हूँ कि ये युग जो है हमारा सूचना और संचार क्रांति का जो आजकल चल रहा है, यूट्यूब चाहिए, वो बहुत सारे मैंने देखे यूट्यूबर्स भी आजकल आए हैं, ईएसआईसी के बारे में बताते रहते हैं, अच्छी बात है। तो नॉर्मल जो बेनिफिट्स है, चिकित्सीय हित लाभ जिसको हम मेडिकल बेनिफिट कहते हैं, फिर जो आपका मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, फिर डिसेबलमेंट बेनिफिट हो गया, तो कोई डिसेबल हो जाता है उस पर परसेंटेज हम देते हैं, अगर मान लीजिए कोई मिल मजदूर है, उसका
दाहिने हाथ की उंगली कट गई, तो उसका मेडिकल बोर्ड करवा करके ये निर्धारण करते हैं कि इसका जो लॉस ऑफ वेजेज अर्निंग कैपेसिटी है कितना हुआ, उसके हिसाब से पेंशन देते हैं। फिर डिपेंडेंट बेनिफिट हमारा है, जो कि बहुत ही एक अच्छी योजना है कि कोई वर्कर अगर अपने कार्यकाल के दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो लगभग उसका 90%, वो एक फार्मूला होता है लेकिन लगभग 90% के आसपास पहुँचता है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, और डिपेंडेंट्स पे न सिर्फ पत्नी और बच्चे बल्कि कई बार अगर उनके आश्रित माता पिता हैं तो हम उन्हें भी एक प्रोराटा बेसिस पे डिपेंडेंट बेनिफिट यानी पेंशन देते हैं। ESIC में जो कुछ जैसे श्रमिक हैं उनकी वो होती है कि चिकित्सा हित लाभ लेने में उनको कुछ दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत का कैसे समाधान हो सकता है? जैसे हमने मतलब इलाज कराया लेकिन इमरजेंसी में इमरजेंसी में इलाज कराने में हमें क्या हुआ कि उस समय डिस्पेंसरी नहीं खुली थी और हमें कहीं और जाना पड़ा और हमने वहाँ पे पैसे दे के इलाज कराया लेकिन अब हमें उसका हमें रीइंबर्समेंट लेना है, तो वो उसमें दिक्कतें आती हैं कैसे? देखिए, इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति साधारण किसी बीमारी से ग्रसित है, दरअसल कोई नॉर्मल बीमारी से हुई, तो हमारा डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, वहाँ जाके इलाज करवा सकता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि अचानक किसी को रात में हार्ट अटैक आ जाए या कोई ऐसी चीज़ें आ जाए जिसके कारण या एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी में वो किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकता है, वहाँ पे अपने पैसे पे इलाज करवा सकता है। उसका रिइंबर्समेंट हम जो हमारा रेट्स है, डिफाइंड रेट्स है, उसके बेस पे करते हैं। वो बिल्कुल इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगा करके अपना बिल हमारे यहाँ सबमिट करे, उसे बिल्कुल उसे पैसा दिया जाएगा। अच्छा, इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो आप कहने लगाने के लिए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल बनाएगी। मतलब आपके सिर्फ कहने मात्र से इमरजेंसी नहीं होगा, एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है जो कि हॉस्पिटल देता है। ये चीज भी आप लोगों को जानना जरूरी है। और इसमें अगर मान लीजिए प्रतिष्ठान है या कोई उद्योग है इसमें, और ESIC वो अपने श्रमिकों का नहीं काट रहा है या नहीं जमा कर रहा है, तो उस केस में आपके विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या आप लोग एक्शन लेते हैं? सर, देखिए, पूरा मैकेनिज्म है ESIC के पास। जैसे अगर सपोज किया जाए कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, वो चालान के थ्रू अपना रिमिटेंस करता है, मंथली कंट्रीब्यूशन। तो अगर उसका अचानक से हम देखते हैं कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने से वो अगर नहीं कंप्लायंस कर रहा है, तो उसका डिफॉल्टर एक्शन हमारे यहाँ डिफाइंड है, डिफॉल्टर एक्शन हम लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोसेस है, उसमें विभिन्न तरह तरह के नोटिस इशू किए जाते हैं, रिकवरी तक का उसमें हमारे पास मैकेनिज्म है, वो करते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, आजकल जो ये पाया जा रहा है, कई जगहों से शिकायतें आती हैं, लेबर यूनियन शिकायत करती है या फिर कोई इंडिविजुअल खुद जो परेशान है प्रतिष्ठान के मालिकों से, वो शिकायत करती है, तो उसके बेस पे भी हम कार्रवाई करते हैं। तो सेट प्रोसीजर है इसका, डिफॉल्टर सेक्शन होता है हमारे यहाँ, वो हम लेते हैं। फिर हमारे यहाँ CIU है, सेंट्रल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस यूनिट, वो वहाँ पे भेज करके हम उन निरीक्षण उसका उस प्रतिष्ठान का निरीक्षण भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम लोग ने श्रम सुविधा पोर्टल से ही निरीक्षण करवाया है, अदरवाइज जो पिक एंड चूज पहले कभी हुआ करता था वो अब नहीं होता है। तो ये CIU भी एक तरीके का मानदंड है, जिसके मानदंडों के तहत इंस्पेक्शन होती है। अच्छा, इसमें जैसे कई बार होता है कि कोई बीमार है और वो गया किसी हॉस्पिटल में, ESIC की डिस्पेंसरी में गया और या हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पर वो सुविधा नहीं उपलब्ध है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध है, या कोई उसको ऐसी बीमारी है जो कि उस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकता है, कहाँ पर जा सकता है, उसका लाभ वो कैसे ले सकता है? क्या वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो किस हॉस्पिटल में जाए, ये भी नहीं मालूम होता है जनरली कि कौन कौन से हॉस्पिटल उसके पैनल पे हैं या किस तरीके से। इसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा दर्शकों को जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि लगभग अब तो जो दिल्ली NCR में उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा है, हमारे नोएडा अस्पताल में भी अब ऑन्कोलॉजी तक शुरू हो चुका है, तो कीमोथेरेपी उसमें हम दे रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई डिजीज़ जो कि हमारे अस्पताल में उसकी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ऐसा मरीज़ अगर कोई है, तो बिल्कुल जाएं आप हमारे अस्पताल में
और वहाँ से फिर वो जिस अस्पताल में भी जो टाइप है वहाँ जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो वहाँ पे उनको रेफ़र करेंगे और वो रेफरल कैशलेस होगा, उसमें कोई पैसा उसे नहीं देना है और वो इलाज देंगे। जो जो कंसर्न हॉस्पिटल है वो अपना बिल हमें रेज करता है, हम उसे करते हैं, हमारे वर्कर को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कई लोगों को जो नहीं मालूम है कि रेफरल भी है और कौन से अस्पताल रेफरल पे है, अगर ये जानना है तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे अस्पतालों की सूची देख सकते हैं कि जो जो अस्पताल हमारे टाई अप हैं। अब यहाँ पर हम महिला जो श्रमिक होती हैं या महिला कर्मचारी होती हैं उनको क्या क्या लाभ ESIC से मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने, देखिए भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के तहत ESIC में भी उसका 100% पालन किया गया है। हम मैटरनिटी बेनिफिट जो पहले कम दिया करते थे अब 6 महीने का मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं। और मैटरनिटी बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें जो महिला है उसको जिस समय वो कंसीव करती हैं तब से लेकर के बेबी के डिलीवरी तक हम उसको हर तरह की सुविधा देते हैं। इवन प्रसूति व्यय जो है उसके लिए भी अलग से हम पैसा देते हैं। तो महिलाओं के लिए विशेष ये प्रावधान ESIC में किया गया है मैटरनिटी बेनिफिट के रूप में और प्रसूति व्यय के रूप में। यह हम आपको बता दें कि अगर जो आपके कर्मचारी ESIC में कवर्ड है तो उनके ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि लिए ESIC उनको मैटरनिटी बेनिफिट देती है, ESIC के थ्रू वो इसका लाभ लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। और जो 6 महीने का वहाँ पे आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो उनको लाभ मिलता है वही लाभ ESIC भी देती है। जब हम लोगों के जो अधिकारी होते हैं आपके जो जब जाते हैं कंपनियों में निरीक्षण करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उस समय वो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का निरीक्षण करना है, क्या देखना है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा। जो निरीक्षण अधिकारी हमारे जाते हैं उसके लिए देखिए आज तो इतना ही ज़्यादा जो है पारदर्शी हो गया है, हमारा पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। श्रम सुविधा पोर्टल से इंस्पेक्शन मार्क होता है, रैंडम मार्क होता है, इसमें कहीं कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। और जैसे ही श्रम सुविधा पोर्टल से इंस्पेक्शन मार्क होता है उसकी एक जो मैसेज के थ्रू एक मैसेज जाता है एम्प्लॉयर को और दूसरा आता है हमारे SSO को जो हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं, और वो नियत दिन और जो समय तय होता है उसी पे जाते हैं इसमें या फैक्ट्री में, और वहाँ जा कर के उनको 5 साल का हमारा जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखना है, क्योंकि हमारा टाइम बार्ड पीरियड 5 ईयर्स का है। नई सरकार ने हमें कर दिया है, हमारे यहाँ हो गया कि 5 साल से पीछे का रिकॉर्ड आपका हम नहीं देखेंगे। तो 5 साल तक के आपके रिकॉर्डों का निरीक्षण वो करेगा, जिसमें सैलरी सीट, अटेंडेंस सीट, आपने कितना चालान दिया, कितना सही था कितना गलत था, इसका निरीक्षण करेंगे। और 1 साल का उसमें पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन वो करेगा। यहाँ मैं बता दूँ कि अगर वो 1 साल में आपकी स्थिति कुछ गड़बड़ निकलती है तो फिर वो अधिकारी रेकमेंड कर सकता है कि इनके बाकी सालों का भी निरीक्षण करवाया जाए, क्योंकि इन्होंने ESIC कहीं ना कहीं गलत तरीके से नहीं जमा किया है और गलत तरीके अपना करके कम किया है या नहीं किया है। अच्छा, ESIC में जैसे ये भी कहते हैं कि अगर आपके यहाँ पर कंपनी में कोई कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है तो उसके भी ESIC काटना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए ये बहुत से लोग ये डाउट में रहते हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर है उसके पास 10 आदमी नहीं है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम क्यों काटें, तो इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा डाउट आप क्लियर करिएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल, हमारे दफ्तर में भी ऑफिस में भी लोग आते रहते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कई बार होता है कि कहते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है उसके पास 10 आदमी है ही नहीं। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, अगर आपका फैक्ट्री जो है वो कवर्ड है, जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ ESIC में तो हम उस पूरे प्रोसेस को रजिस्टर्ड करते हैं। उस प्रोसेस में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, इवन अगर आप एम्प्लॉय की परिभाषा में जाएंगे तो वो कैजुअल, इंसिडेंटल, ये सारे वर्कर जो है एम्प्लॉय के परिभाषा में आते हैं। तो 10 हैं या नहीं है, अगर 10 हो गए तो वो तो इंडिपेंडेंटली कवर्ड हो ही जाएगा, फिर तो आपकी जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है। फिर तो सिर्फ आपको ये देखना है कि उसने चालान जमा किया है या नहीं किया है। और अगर नहीं है तो व्यवस्था तो यही है कि आप
उसको भी वर्कर को रजिस्टर्ड करें अपने पास और उसका कंट्रीब्यूशन जमा करें, क्योंकि उस व्यक्ति को तो हित लाभ मिलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रेक्टर के पास में, वो बहुत से ऐसे होते हैं कि ये भी दिक्कत आती है, मतलब कारखाना मालिकों के उसमें, कि अगर आज उन्होंने बुलाया सुबह आदमी को काम करने के लिए किसी को, और वो कहते हैं कि हमने तो डेली वेजेस को हम पकड़ के लाते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे ईएसआई इनका काटें, इनके पास तो आधार कार्ड भी नहीं होता है, और हम कैसे इनको इन्वॉल्व करें, आज हमने बुलाया इनको, आज ही काम करके ये चले गए, या कोई हमारे यहाँ एक घंटे के लिए काम करने आया तो हम उसका कैसे ईएसआई काट सकते हैं, ये सब दिक्कतें जो जनरल फेस कर कारखाना मालिक और प्रतिष्ठान मालिक। तो देखिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जी, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना कि ऐसे इंसिडेंट्स कितने होंगे, बहुत से इंसिडेंट्स होंगे। आज के डेट में जब आप देखिए कि कोई भी कारखाना मालिक है वो लेबर चौक से वर्कर उठा के तो नहीं ही लाता है जनरली, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी आपदा या विपदा ना आ जाए कि भाई इसके पास कोई है ही नहीं। अदरवाइज आप अगर देखिए जहाँ, अगर नोएडा की बात करूँ, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो सब बिल्कुल एक अच्छे स्तर पे हैं, अच्छा कंप्लायंस भी है, मैं तो यही देख रहा हूँ, अच्छे कंप्लायंस भी करते हैं। और इस तरह की इंसिडेंट छोटी मोटी होती है तो उसमें कोशिश करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं आपका मालिक होने का एक दायित्व भी बनता है कि जिस व्यक्ति को चाहे आप अगर मान लीजिए कि वैसे उठा करके ला रहे हैं तो उसका भी तो एक सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए ना, तो उसके तहत थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, जनरेट करना, सब ऑनलाइन हो गया। एक ज़माना हुआ करता था जब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर के लोकल ऑफिस जाके जमा करा के आना पड़ता था, आज तो सारा सिस्टम बेस्ड है, आप एक सिस्टम पे जाइए, एक बंदे आपके यहाँ इतने कर्मचारी हैं, एक को बिठाइए, एक उसका आईपी नंबर जनरेट कर दीजिए, उसका पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, उस बेचारे को भी लाभ मिल जाएगा। पहले तो एक एक कर्मचारी का डिक्लेरेशन फॉर्म ले करके और फिर इसके बाद जमा करना पड़ता था लोकल ऑफिस में, और अब तो काफ़ी पहले से। तो डिजिटलाइजेशन की क्या भूमिका आप समझते हैं इसमें, डिजिटलाइजेशन होने से क्या लाभ हुआ है, मतलब कर्मचारियों को भी और उसको भी, क्योंकि ईएसआईसी में हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग अक्सर बहुत चक्कर लगाना पड़ता था, अब तो हम लोग शायद ही कभी जाते हैं क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी कुछ। अपने प्रश्न का उत्तर आपने खुद ही दे दिया, लेकिन फिर भी सबसे, हम आपसे चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल भारत की जो परिकल्पना है जो भारत सरकार ने की है, उसका असर तो यही है कि आज हम लोग, एक समय था आप भी बता रहे हैं, मैंने खुद भी वो समय देखा है कि एक एक ब्रांच ऑफिस में लोगों की कतार लगी रहती थी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के लिए। और ये समझ लीजिए कि अगर कोई बिग एम्प्लॉयर से जिसे हम कहते हैं, जिसके पास 2,000, 4,000, 5,000 एम्प्लॉई हैं, तो उसका एटिडेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए तो और बहुत बड़ी समस्या थी। अब तो वो विद इन सेकेंड्स क्या कहता है, वो डीएफ जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन कर ही लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेट रजिस्ट्रेशन का भी आप देखिए ना कि आता है, सो कॉल्ड नोटिस उस पर आता है, आप उसको भर के हमारे यहाँ देते हैं, विद इन 10 डेज उसका निराकरण हो जाता है। तो डिजिटलाइजेशन की तो बहुत बड़ी भूमिका है। चलान जमा, एक ज़माना था जब स्टैम्प पेपर पर चलान जमा किया करता था, डिजिटल वो लगते थे, रेवेन्यू स्टैम्प लगते थे, और आज आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, यही डिफरेंस है। अच्छा सर, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी कंपनी में तो उसकी इंटीमेशन आपके यहाँ देनी होती है, तो उसका क्या टाइम पीरियड होता है, और क्या अगर कोई वर्कर अपनी ड्यूटी से, अपने घर से ड्यूटी पे आ रहा है और ड्यूटी से अपने घर पे जा रहा है तो भी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए आप बात कर रहे हैं कम्यूटिंग एक्सीडेंट का, हमारे यहाँ कोई भी वर्कर अगर वो ईएसआईसी में रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहा है, उसका बिल्कुल अंशदान कट रहा है, और वो व्यक्ति अगर सुबह अपने घर से या कोई भी टाइम, जो कोई भी नाइट शिफ्ट भी होता है, जब कोई भी जो कम्यूट करता है, मतलब घर से ऑफिस आते हुए और ऑफिस से वापस घर की ओर जाते हुए, अगर इस बीच में भी उसका एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी ट्रीट किया जाता है, और जितने भी बेनिफिट्स होंगे, डिपेंडेंट बेनिफिट्स लेकर के सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको फैक्ट्री के दौरान ही काम करना चाहिए, कम्यूटिंग एक्सीडेंट वो बिल्कुल हमारे यहाँ कवर्ड है, हम उसका भुगतान करते हैं। अगर मान लीजिए कोई लीव पर है, छुट्टी पर है, और बीमार था उसने, उसकी वजह से छुट्टी ली हुई है, और घर पे उसकी डेथ हो जाती है सर,
कोई भी हार्ट अटैक से या किसी और रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या उसकी या उसकी फैमिली को पेंशन या और कोई लाभ इसमें ईएसआईसी की तरफ से दिए जाते हैं? देखिए, इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। अब लीव पे है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी था या नहीं था, ये सब इसमें देखना पड़ेगा। ये इतना आसान सीधा सा सवाल नहीं है। इस सवाल में कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे अब ये हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी किसी को हुआ, वो अस्पताल में इलाज करवाने गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, तो मान लीजिए 4 दिन 5 दिन लगता है, तो एक अलग सिचुएशन हो गई। कई बार इलाज कराने गया अस्पताल में, अगले दिन छुट्टी लेकर के वहाँ से अपने घर चला आता है, अब वहाँ सरकार मजबूर हो जाती है क्योंकि फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी तो उसकी थी। तो वही कहा, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या वो पात्र था या नहीं था। और इसमें मेन उसकी मृत्यु के उपरांत जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा है, वो डिपेंडेंट बेनिफिट है, तो वो देखने के लिए वो पूरा हमारा ब्रांच ऑफिस से लेकर के हमारा इंटायर एसआरओ का बेनिफिट ब्रांच उसको एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है एंड अकॉर्डिंगली। हाँ, ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि अगर वो पात्र था, अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी है तो उसको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी के परव्यू में नहीं आता है तब तो मुश्किल है, तब तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए सर इसमें, जैसे कि अगर कोई, जैसे अभी बात हम लोग कर रहे थे कि घर से ऑफिस आ रहा था या ऑफिस से घर जा रहा था ड्यूटी टाइमिंग में, अगर उसमें वो ये भी देखा जाता है कि अगर वो घर से ऑफिस आ रहा था तो जो नियरेस्ट रूट है उससे आ रहा था, या वो अगर कहीं घूम के आ रहा था, तो उसमें भी दिक्कत आती है। जो परिभाषित है एक्ट के द्वारा वो है कि शॉर्टेस्ट रूट, लेकिन उसमें भी इतना रिजिड डिपार्टमेंट नहीं है। अगर कोई जेन्युइन रीजन हो जिसके कारण उसने अगर रूट डिविएट किया हो तो वो भी देखते हैं, लेकिन वो विवेक के ऊपर निर्धारित करता है। जो एक्ट कहता है वो कहता है कि शॉर्टेस्ट रूट। हाल में कोई, जैसे एक तो जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वाले जो BOC होते हैं, BOC वाले जो आते हैं, तो उनके यहाँ पर ESIC एप्लीकेबल उनके कर्मचारियों के ऊपर अभी जैसे कई जजमेंट भी आए हैं, तो उसमें अभी लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का स्टे अभी तक है, अभी तो अभी नहीं एप्लीकेबल है उसका। हाँ, अभी स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, वी कैनॉट से ब्लैक एंड वाइट की वो उसमें है या नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर सर्कुलर अभी है उसके ऊपर कि अभी हम क्लेम ना करें, अभी वो मामला अभी ये है सुप्रीम कोर्ट के इसमें। और कोई इसमें अधिनियम जो अभी इसमें बदलाव हुआ है हाल ही में, या कोई वो जिससे कि हमें और कोई, या सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मैं, आपने जब मुझे बुलाया तो मैं आपका आभार भी व्यक्त किया था जी, जो मैं बताना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से और अपने तमाम साथियों को जरूर बताएं कि जो हमारा अभी एक कार्यक्रम चल रहा है आधार सीडिंग का, आधार सीडिंग बहुत ही जरूरी है। देखिए, भारत सरकार ने इसे मैंडेटरी नहीं किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि आधार मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर अपनी टिप्पणी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे वर्कर हैं उन सबका, क्योंकि आधार लगभग सबका अब बन चुका है, तो उनका आधार ESIC के सिस्टम से सीड कर दिया जाए। इससे सबसे अधिक फायदा कर्मचारियों को और प्रतिष्ठान के मालिकों को है, क्योंकि आज अगर आप देखते हैं कि एक वर्कर अगर आपके यहाँ से छोड़ करके कहीं और जाता है, तो वर्कर हमारा मोटा मोटी देखा जाए तो जो हमारा 21,000 से नीचे वाला जो क्लास है, उसमें कई बार ऐसे भी आप देखेंगे कि जिनको बहुत पढ़ा लिखा क्लास नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, लेकिन जो नहीं है वो इस चक्कर में कि फिर मुझे ये पिछला सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा, वो बोलते नहीं जी मैंने पहले कहीं काम ही नहीं किया, मेरा कोई ESI नंबर नहीं है, और ESI नंबर ना बता के वहाँ फिर नया नंबर जनरेट कर लेते हैं, तो मालिक को दिक्कत क्या होती है, नया नंबर जनरेट हो गया। कई हमारे कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो डिपेंड करते हैं उसके कंट्रीब्यूशन पीरियड पे, वो पीरियड उसका शॉर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा ये व्यवस्था हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही वो वर्कर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाएगा, जैसे ही उसका आधार अगर सीडेड होगा, जैसे ही आधार वहाँ आप डालिएगा, उसका सारा पास रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। तो हाँ, तो ये उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैं मतलब आपसे ये इस चैनल के माध्यम से, मैं जो लोग भी इसे देख रहे हैं और जो लोग भी जिसको आप लोग जानते हैं, मैं सबकी ओर ये आह्वान करता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आधार सीड करवाइए, क्योंकि मैं उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ अभी लगभग 80-85% आधार सीड होने बाकी हैं।
तो ये सबसे अधिक जो स्थिति है इसको अगर हम लोग कर लें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो नोएडा क्षेत्र के या इसका क्षेत्र सहारनपुर तक है इसके कर्मचारियों को और मालिकों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। इसमें और आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे सर इसमें कि ESIC से और क्या मतलब करने जा रहा है ESIC या ESIC की कोई नई? अभी तो ये आधार ही मेन है, आधार शीडिंग हमारा बहुत ही प्राइम ये चल रहा है। इसके अलावा तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं तो वो तो अनवरत प्रयास है जो कि हमारी ओर से चलता रहता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से नोएडा के जितने भी कर्मचारी हैं जो प्रतिष्ठान हैं वो इन चीज़ों का लाभ उठाएं। और बाकी मैं तो हूँ ही मौजूद यही सेक्टर 57 में, तो आप लोग में से जो भी दर्शक देख रहे हैं किसी कोई समस्या हो तो बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हुए आप आ सकते हैं। तो आप सुन रहे थे श्री आशुतोष गिरी जी को, जो कि बड़े खुले दिल से बोल रहे हैं कि कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। और मैं बता दूं कि आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा तैयार रहते हैं किसी के भी काम करने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको सेटिस्फाइड करके ही भेजते हैं और बहुत ही तेज तर्रार भी आप हैं और जानते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या कमी है, कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं ESIC में। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।